नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज बात करेंगे कल होने वाले राजस्थान के चुनावों की। क्या आखिरकार राजस्थान में इस बार रिवाज रहेगा या रिवाज बदलेगा? राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर कल वोट पड़ने वाले हैं, तो इस बार जब राजस्थानी मतदाता कल जब घर से बाहर निकलेंगे तो वो क्या देखकर वोट करने वाले हैं? प्रत्याशी को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, शांति और असुरक्षा के बीच का जो माहौल पैदा किया गया उस पर वोट करेंगे, सामाजिक उद्धार की योजना है जिसको फ्रीबीज भी कहा जा रहा है उस पे आके वोट करेंगे, स्थानीय मुद्दे उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, या फिर जाति का जोड़ तोड़ यहाँ पर एक बार फिर अपनी पैठ जमाने वाला है। दरअसल राजस्थान में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो सरकारें बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती हैं। इनके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। पहले मोटे तौर पर समझिए राजस्थान के नक्शे पर अलग अलग इलाकों और उसमें आने वाली सीटों को। हमने राजस्थान को दरअसल चार भागों में बांटा है। आपको बताते हैं हर भाग के हिसाब से कितनी कितनी सीटें हैं। पूर्वी राजस्थान में 64 सीटें हैं, मारवाड़ में 48 सीटें हैं, मेवाड़ और हाड़ौती में 48 सीटें हैं, उत्तर में 40 सीटें हैं। कुल 200 सीटें इस तरीके से बनती हैं, यानी सबसे ज़्यादा सीटें पूर्व में हैं और उसके बाद मारवाड़ और मेवाड़ का इलाका आता है। अब अगर आंकड़े दिखाएं राजस्थान की उन जातियों की जो सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं, ये मोटे तौर पर चार जातियां राज्य में मानी जाती हैं। ये हैं जाट, ब्राह्मण, राजपूत और गुज्जर। ये जातियां किस किस इलाके में अपना प्रभुत्व रखती हैं पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद इनके मूड और वोटिंग पैटर्न पर भी बात करेंगे। तो राजस्थान में जाट जो 15% से ज़्यादा हैं, वो पूर्व में 17 सीटें ऐसी हैं, मारवाड़ में 20 सीटें ऐसी हैं, मेवाड़ में 5 सीटें और उत्तर में 32 सीटें। यानी जाट बहुल सीटें ज़्यादातर उत्तरी इलाके में हैं या फिर पूर्वी राजस्थान में हैं। अब अगर ब्राह्मणों की बात की जाए, हम कितने केवल वही सीटें जोड़ी हैं जहाँ 15% से अधिक वोटर है। तो जो ब्राह्मण की 15% से अधिक वोट वाली सीटें हैं वो पूर्व में 10 हैं, मारवाड़ में 3 हैं, मेवाड़ में 5 हैं और उत्तर में 3 हैं। और अगर मैं राजपूत की बात करूं, जहां जो राजपूत बहुल सीटें हैं वो 1 सीट पूर्व में है, 6 सीट मारवाड़ में है, 4 सीट मेवाड़ में है और 4 ही सीट इस वक्त उत्तर में है। और अगर हम बात करें गुज्जरों की, तो गुज्जर ज़्यादातर 13 सीटें पूर्वी राजस्थान में हैं, मारवाड़ के इलाके में बिल्कुल नहीं है, मेवाड़ में 3 हैं और उत्तर में 2 हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गुज्जरों का बोलबाला उत्तर में है, और अगर जाटों की बात की जाए तो गुज्जरों का बोलबाला पूर्व में है और जाटों का बोलबाला उत्तर में दिखाई देता है। अब अगर बीते 2 विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न को देखें जाति के हिसाब से, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पता लगती हैं। मैं केवल 2 चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2 चुनाव में 2 सरकारें थी, क्योंकि वह रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का है। पहले 2018 विधानसभा के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और अन्य के खाते में कितने कितने वोट पड़े वो जरूरी है। कांग्रेस के पास 39% वोट गए थे, बीजेपी के पास 38% वोट गए, 38 से कुछ ज़्यादा, बसपा के खाते में 4% वोट गए। अब अगर मैं कांग्रेस के खाते में जो जातिगत तरीके से बांट के देखूं, तो कैसे ही 39.32 का आंकड़ा बनता है इसको देखिए। 35% अगड़ी जातियों ने कांग्रेस को वोट किया, अगड़ी जातियों में 50% ने बीजेपी को वोट किया। मैं केवल 2 बड़ी पार्टियों की इस वक्त यहाँ बात कर रहा हूँ, बाकी आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर है। ओबीसी की बात करें तो 36% कांग्रेस को वोट करते हैं, 40% बीजेपी को वोट करते हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 38 कांग्रेस के पास जाती हैं और 34% बीजेपी के पास जाती हैं। यानी ऊपर की जो 3 कैटेगरीज हैं, अगड़ी जातियाँ, ओबीसी, अनुसूचित जाति तो कांग्रेस के पास ज़्यादा है, शुरू की 2 भाजपा के पास ज़्यादा है। आदिवासी ऑलमोस्ट बराबर, 41 और 40। मुस्लिमों की बात की जाए तो 61 और 14। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े आपको समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, उससे ये पता लगता है कि बीजेपी को अगड़ी जातियाँ और ओबीसी का बड़ी संख्या में वोट मिला था। लेकिन अब अगर मैं तुलना कर दूँ इसकी 2013 से, तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की सरकार जो 2013 में बनी थी वसुंधरा की, वो 2018 में क्यों हार गई, क्यों अशोक गहलोत 2018 में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुसलमानों और उनको एससी ने तो वोट किया ही किया। अब ये 2013 के आंकड़े देखिए, तो जो बीजेपी को
अब बहुत दिलचस्प है, जिस बीजेपी को 2013 में अगड़ों ने 56% वोट किया था, यह आंकड़ा 50 पे था, आपको याद होगा। जिस ओबीसी को 2013 में 51% लोगों ने वोट किया बीजेपी को, यह आंकड़ा 18 में आके 40% पर आ गया था। यानी दो बड़ी जो समूह है बीजेपी के, अगड़ी जातियां और ओबीसी, इन दोनों में डेंट लगा था 13 के मुकाबले 18 में, और अशोक गहलोत को इससे बहुत फायदा मिला था। अशोक गहलोत को बीजेपी कांग्रेस को सरकार बनी थी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए 2018 में कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी में एकता थी, सचिन पायलट और राजेश अशोक गहलोत एक साथ कई मंचों पर दिखाई दे रहे थे और उसका फायदा पार्टी को मिला था। इस बार दरअसल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े बहुत तस्वीर साफ कर रहे हैं। कांग्रेस के पास अमूमन मुसलमान और एससी वोट करते हैं, आदिवासी बराबर बराबर बटा हुआ है, अगड़े और ओबीसी बीजेपी को वोट करते हैं, बीते दो चुनाव के आंकड़े यही दिखा रहे हैं। इसी मुद्दे पर एससी एसटी की अगर हम बात करें, वो आंकड़े आपके सामने चलते रहेंगे, लेकिन मैं मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। पहले हम मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हर्षा कुमारी सिंह, हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त एनडीटीवी की जुड़ी हुई है हमारे साथ जयपुर से, और अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। हर्षा, मेरा पहला सवाल आप ही से है। मोटे तौर पर अगर मैं इलाकों और जातियों को एक साथ रख के देखूं, तो ये समझ में आता है बीजेपी की जो पैठ रही है वो अगड़ों में रही है और मोटे तौर पर ओबीसी में रही है। क्या इस बार यही पैटर्न है इन चुनावों में? आप तो पूरे लगातार 2-2.5 महीने से भरपूर मेहनत कर रही हैं जमीन पर। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही एनालिसिस किया है और ये ही है राजनीति जो है राजस्थान में, इन्हीं पर टिकी हुई है। और इनफैक्ट जो राजपूत समुदाय पिछली बार वसुंधरा राजे से नाराज हुआ था आनंद पाल इशू को लेकर और जसवंत सिंह की इशू को लेकर, उन्होंने कहा था कि कमल की फूल हमारी भूल, मेरे को याद है मानवेंद्र सिंह ने वो कहा था, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था वसुंधरा राजे का। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसी तरह का पैटर्न रहता है। लेकिन इस बार जो गुर्जर वोट बैंक है उसको सब लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपने बताया कि किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ दिख रहे थे, उसका बहुत फायदा मिला था कांग्रेस को। जो यूथ वोटर है जो कभी कभी जातिगत दायरों में नहीं बनता है, उसने भी सचिन पायलट की तरफ टिल्ट होकर वोट दिया था, तो वो सबका फायदा मिला था कांग्रेस को। इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो एक तरह से जो दूरियां बनी हुई हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दरारें खत्म हो जाएं, लेकिन सब जानते हैं कि दरारें अब भी हैं दिल में, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। और दूसरा, जो गुर्जर समुदाय है, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, बहुत बड़े रिसर्च, बहुत बढ़िया रिसर्च के साथ कहते हैं, उन्होंने वो सिंपथी फैक्टर पे टच करने की बात की कि सचिन पायलट 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने से चूक गए। और सचिन पायलट का जो ग्रुप है, गुर्जर जो है, जो ओबीसी में आता है, कहीं ये वोट अगर कांग्रेस से खिसक जाएगा तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ अमिताभ भी हैं। अमिताभ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट छुआ हर्षा जी ने, और वो ये कि गुर्जर पिछली बार खुलकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे 18 में, और वो लामबंद हो गए थे कांग्रेस के पीछे। और हम सब जानते हैं, इसके पहले 13 की बात करें या अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, तो गुर्जर अमूमन भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना गया राजस्थान में। इस बार जो हिसाब किताब है, जैसा कि एक साथ नहीं दिख रहे हैं, सचिन पायलट को चेहरा नहीं है, गांठें दिखाई देती हैं कैंपेन के दौरान भी, क्या गुर्जर समुदाय जो एक साथ एक मुश्त ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% सीटें उस इलाके की कांग्रेस के पास गई थी, क्या ऐसा ही होगा या इस बार कांग्रेस वहीं फंस सकती है? नहीं, देखिए, गुर्जर समाज का जो वोट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके पूर्वी राजस्थान में। पिछली बार जो 100 सीटें आई थी उसमें से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ईस्टर्न राजस्थान से जीता, और मीणा और गुर्जर समाज का एक तरह से पॉलिटिकल राइवलरी रही है। और जैसा आपने कहा, गुर्जर समाज वोट करता रहा है भाजपा को, क्योंकि मीणाज जो है वो कांग्रेस के साथ अलाइंड है, और गुर्जर समाज जो है उसका एक टाइम पे डिमांड था एसटी कैटेगरी में इंक्लूजन का, जो मीनाज अपोज कर रहे थे। तो 2013 की बात करें तो लगभग आपने 18 सीटें जरूर दिखाई हैं, हालांकि वो 15% से ऊपर है और गुर्जर समाज की आबादी ही 6-7% के करीब है। तो अगर गुर्जर इन्फ्लुएंस्ड सीट्स कहेंगे तो लगभग 40 होते हैं, उसमें से 29 सीटें भाजपा जीती थी 2013 में,
और कांग्रेस 24 सीटें जीतने में कामयाब रही 2018 में। तो इसको टैप करने की कोशिश है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वोटर जो है वो बीजेपी का ही है। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो आपने सही कहा, जैसे अपर कास्ट प्लस ओबीसीज जनरली भाजपा के साथ रहते हैं, और हिंदी हार्टलैंड में हमको ये ट्रेंड देखने को मिलता है, और एससी प्लस एसटी प्लस मुस्लिम्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर। लेकिन ओबीसीज में तीन फांक हैं, तीन कैटेगरीज हैं, एक है जाट, गुजर और लोअर ओबीसीज। तो अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो एससी प्लस एसटी प्लस मुस्लिम प्लस जाट लगभग 50% है, और अपर कास्ट प्लस अदर ओबीसीज लगभग 50% है। राजपूत और जाटों की भी पॉलिटिकल राइवलरी है, और क्योंकि राजपूत समाज भाजपा को वोट करता रहा है, जाट समाज जो है वो कांग्रेस या अन्य दलों को वोट करता आ रहा है। पिछली बार आरएलपी ने, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, काफी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को डैमेज किया था, इसलिए बीजेपी ने एक अलायंस फॉर्म किया था उनके साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो जाट वर्सेस राजपूत एक राइवलरी है, गुजर वर्सेस मीना दूसरी राइवलरी है, और इसके इर्द गिर्द ही जो है ये तो पूरा। अमिताभ, सवाल यही है कि जो जो ये राइवलरी पुरानी है, आज की नहीं है, जो वोटिंग पैटर्न रहा है बीते इतने सालों में राजस्थान की विधानसभा में, वही वोटिंग पैटर्न रहने वाला है, या ये कम्युनिटीज़ अब यहाँ से वहाँ भी जा रही हैं, शिफ्ट भी कर रही हैं? देखिए, लार्जली यही पैटर्न रहने वाला है इस बार भी। गुजर समाज थोड़ा फ्लिप हो सकता है भाजपा की तरफ, और एससीज एसटीज में भी जो कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त हमने देखी है पिछले दो चुनावों में, तो एसटी समाज में भी फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक नया 24,000 करोड़ का जो एक स्कीम लॉन्च किया गया है आदिवासियों के लिए, इनकी काफी चर्चा है। और दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं, एट्रोसिटीज अंडर एससी एसटी एक्ट, इसका जो क्राइम रेट है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसको भी भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं भुना रही है, और इन दोनों दलों, इन इन दोनों समुदायों का भी वोट जो है वो अपने पाले में वेरी उनकी वेरी तरफ। इंटरेस्टिंग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हर्षा मेरे साथ है, हर्षा जमीन पे काम कर रहे हैं। अमिताभ, एक क्विक कमेंट उनका लेता हूँ। हर्षा, जमीन पे आपको क्या दिखाई दिया, जो जिस तरह की बातें कैंपेन किया गया बीजेपी की तरफ से, क्या जाति के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं या मुद्दों के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अमिताभ जी ने बहुत सही कहा है। देखिए, जो मलिंगा है, जो धौलपुर साइड से है, मलिंगा ने एक AEN पर, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मी थे, उनके पर उन्होंने हमला किया था और उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। अब कांग्रेस में भी ये चर्चा हो रही है, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। उस विक्टिम को अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने भी गए, पर उससे क्या हुआ है कि जो राजपूत अपर कास्ट वोट है वो बिल्कुल मलिंगा के साथ हो गया है, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया है ईस्टर्न राजस्थान में, और जो दलित है वोटर्स है उन्होंने इनफैक्ट ज्ञापन लिखा है PM को, दलित ग्रुप्स ने ज्ञापन लिखा है कि आपने मलिंगा को क्यों टिकट दिया है। तो इस टाइप का जो पोलराइजेशन जो होता है इश्यूज में, वो बिल्कुल है, अभी भी है, और इस इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। जो जाट वोट की जी आप बात कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल बिल्कुल जाट वोट पे सेंध मारेगा, और इसलिए लोग जी कहते हैं कि वो अशोक गहलोत की टीम भी है। चलिए, शुक्रिया हर्षा। कल क्या होगा आपके, सुबह से कल अर्ली मॉर्निंग में लगना है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अमिताभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एनालिसिस आपका सुन के अच्छा लगता है। कुल मिलाकर राजस्थान का रण का पूरी बिसात बिछी हुई है, क्या होने वाला है कल सुबह जब वोटिंग शुरू होगी, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा, EVM में पैक हो जाएगा, और 3 दिसंबर को नतीजे खुलेंगे तो पता चलेगा कि क्या वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो रिवाज रहा या रिवाज बदला। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे। और अब वीडियो ऑफ द डे, आज का वायरल वीडियो आप जो मेरे साथ चलता हुआ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये चीन का है। चीन में एक नई तरह की बीमारी है जो बच्चों को अपनी गिफ्ट मिल रही है, निमोनिया इसको कहा गया। शुरू में डर था कि कोविड का एक नया वेरिएंट तो नहीं आ गया, लेकिन अब डॉक्टर ने इसको निमोनिया बताया है। अब इसके इतने मामले आ चुके हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। इस तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि चीन में इस वक्त क्या स्थिति है। एक नई बीमारी धीरे धीरे कर कर पैर पसार रही है, निमोनिया जैसे इसके लक्षण हैं, पर चीन के अस्पताल भरे पड़े हैं।
तो फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें जारी है।